मसीह के खवातीन दीन के, क्या खूब है ये सिलसिला दीन और खवातीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQ TV की ये उम्दा काविश है जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन। ये ज़र्रा नाचीज़ कई बरस से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मेज़बानी का शरफ़ हासिल कर रही है, दीन सीखा और सिखाया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि सिन्फ़ नाजुक को इस्लाम की तजल्लियात से मुनव्वर किया जाए और किसी तौर हर घर दीन इस्लाम की तालीमात को पहुंचाया जाए, ताकि आप, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ द फैमिली हैं, खातून खाना हैं, घर की बुनियाद हैं, घर का बेसिक सेल हैं, यूनिट हैं, तो आप जब दीन को प्रैक्टिस करेंगी और अपने मुतालिकीन को समझाएंगी तो इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि दीन की प्रैक्टिस को अमल में देखा जा सकता है। जनाब दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ज़ाबता हयात है, इट्स अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, ज़रूरत इस अमर की है और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो ज़िंदगी के तमाम ही शोबों में, यानी तमाम मामलात में, हलाल और हराम, यानी जायज़ व नाजायज़ और हिल्लत व हुरमत को मलहूज रखे। अब करना ये है जनाब कि जब आपको हलाल और हराम के मामलात और मसाइल मालूम होंगे तो फिर आप इसकी तमीज़ भी कर सकती हैं और बता भी सकती हैं कि ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ नाजायज़ है। और इसका ताल्लुक, हमने बात की गुज़िश्ता कई एपिसोड से, हमारा यही मौजू है कि सिर्फ खाने पीने के मामलात से नहीं है, यानी तमाम मामलात में, अब चाहे फ़ैशन के मामलात हों, ख़वातीन की ज़ीनत के मामलात हों, अब चाहे जनाब ज़ाहिरी और बातिनी आमाल हों, अफ़ाल हों, अहवाल हों या अफकार हों, अपने तमाम मामलात में हिल्लत और हुर्मत को मलहूज रखना है। या अल्लाह हम सब के लिए रिस्क हलाल के ज़राए आसान फरमा दे और हम सबको हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जनाब आज जो आलिमात हमारे साथ मौजूद हैं ऑन द सेट, माशाअल्लाह ये दोनों ही बड़ी खूबी के साथ दीन इस्लाम पे कलाम भी करती हैं और जो भी हमारा मौजू होता है, जो भी मामलात और जो भी मसाइल होते हैं और जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके ताल्लुक से हम सवालात इनसे करते हैं और इन दोनों की जानिब से बहुत अच्छे जवाबात हमें मिलते हैं। हम सलाम अर्ज़ करते हैं आलिमा सोबिया शाकिर और आलिमा उफक मुजम्मिल को। अस्सलामु अलैकुम। आप दोनों कैसी हैं? आप दोनों के लिए दुआगो हैं और माशाअल्लाह कुरान हदीस के इस्तदलाल से पर आप दोनों की गुफ्तगू होती है। जनाब हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा उस्ताजनल मुकर्रम, शेखुनल मुकर्रम, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद ख़ान नियाज़ी दामत फ़ुयूदुहुम फैज़ गुस्तर फैज़ बख्श फैज़ रसा आज भी ऑन बी पर बराह रास हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया आतिफत दराज फरमाए और आपकी इजाज़त हो तो आज का प्रोग्राम शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह। जी आलिमा सोबिया शाकिर मैं आपकी समझाऊँगी और माशाअल्लाह आपने खूबसूरत अंदाज़ में हमें समझाइए बताइए कि रिस्क हलाल की जो फ़जीलत है कुरान हदीस की रोशनी में वो क्या है, बयान कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए बहैसियत मुसलमान हम इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि अगर हम किसी चीज़ से नफ़ा उठाना चाहें तो वो हलाल और तय्यब होनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 168 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु कुलु मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यानी ए लोगों, तुम पाक और हलाल चीज़ों में से जो ज़मीन में हैं उनसे ही नफ़ा उठाओ और यानी उनमें से खाओ और शैतान की इत्तेबा ना करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल हलाली
वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, के हलाल रिस्क को तलब करना यह हर मुसलमान पर वाजिब है। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, आप फरमाते हैं कि तलबुल हलाली फरीदतुन वादल फरीदती, यानी कि तमाम फ़राइज़ के साथ साथ रिस्क हलाल को तलब करना यह भी फ़र्ज़ है। इससे मालूम हुआ कि दोनों चीज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा यानी रखती हैं, कि हलाल और तैयब जो है चीज़ें उनसे ही हम नफ़ा उठाएँ। अगर इनके अंदर कोताही की जाए तो गोया ये रिस्क के हलाल में अगर कोताही की गई तो फ़र्ज़ वाजिब के अंदर कोताही है और इससे इंसान गुनाहगार होता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो भी ज़रिया मुआश इख्तियार किए हुए हैं उसके शरई तकाज़ों को देखें, क्योंकि जब तक हम शरई तकाज़ा नहीं जानेंगे हो सकता है हम समझते हों कि हमारा तरीक़ा से हासिल होने वाला रिस्क या हमारे ज़रिए से हासिल होने वाला रिस्क हलाल और तैयब है और हम कहीं कोताही के मुर्तकिब होकर हराम रिस्क कमा रहे हों। तो बेहतर है कि उसके बारे में तफसीली मालूमात जानी जाएँ और उसके तकाजे के मुताबिक इखलास के साथ अमल किया जाए, जहाँ गलती है वहाँ इसलाह की जाए, और अगर कोई ऐसी ख़राबी हो गई है कि जिसमें हमें उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा तो उसके लिए भी हिम्मत की जाए, अल्लाह ताला से तौबा भी की जाए और फिर आगे के लिए लाहे अमल तय किया जाए कि इस्तेकामत के साथ रिस्क हलाल ही को अपना ज़रिया बनाया जाए नफ़ा उठाने का, ताकि इंसान जो है वो दुनिया में भी बरकत हासिल कर सके और आखरत में भी सुरखरू हो सके। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी खूब बात आपने की। मैं आपकी समताऊँगी आलिमा वफ़क मुजम्मिल, और हमें बताइए कि हराम की मजम्मत के ताल्लुक से कुरान हदीस में क्या रहनुमाई मिलती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि खलक़लकुम मा फिल अर्दी जमीअ, कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया वो तुम्हारे नफ़े के लिए। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, माबूद है, और उसने हर चीज़ हमारे नफ़े के लिए पैदा फरमाई, हर चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़तें एक हदूद के अंदर रहकर अता फरमाई जी। तो हम हर चीज़ से नफ़ा उठाते हैं, लेकिन जब वही माबूद हमें कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर दे, कुछ चीज़ों से रोक दे, तो अब उसकी बात को मानते हुए उनसे रुकना भी हम पर लाजिम है। तो जिस तरह अल्लाह के हुक्म की पैरवी लाजिम है, इस तरह अल्लाह के किसी मामले से रोक दे तो उससे रुकना भी एक मुसलमान पर वाजिब होता है, और ये लाजिम है उस पर कि वो अपने माबूद हकीकी की पैरवी करे। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया कि ला ताकुल अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली, कि तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से आपस में मत खाओ। और इसकी जो तफसीर है इसके अंदर यह बयान किया गया कि यहाँ पर गोया के ये बताया जा रहा है कि वो हर मामला के जो हुरमत के तहत आता हो, या हर वो मामला कि जिसको शरीयत मुतहरा ने हराम करार दिया, उस ज़रिए से माल हासिल करना और फिर उसका इस्तेमाल करना, ये हराम माल को खाना है और ये अल्लाह का नापसंदीदा काम है, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं, इससे अल्लाह ने रोका है अपने बंदों को। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदों को किसी मामले से रोकेगा तो उसके हर मामले में कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। अब ज़रूरी नहीं है कि बाज़ औक़ात तो हिकमत हमें कुछ अहकाम की समझ आ जाती है और बाज़ औक़ात समझ नहीं आती, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि अगर किसी बात की हिकमत समझ में ना आए तो इंसान उसको अपनी मर्ज़ी से कर गुजरे। बाज़ औक़ात हराम मामलात में लोगों को फ़वाइद ज़्यादा नज़र आते हैं, आसानियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वह अपने माबूद हकीकी के हुक्म को पसे पुश्त डालकर उसको हल्का जानकर वो करता रहे कि जिसमें उसको फ़ायदा नज़र आए। तो मालूम हुआ कि तकाज़ा बंदगी ये है, और कामिल बंदा वो है कि जो अपने रब के अहकाम के आगे सर तस्लीम खम कर लेता है, फिर मिनो अन की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये है तकाज़ा बंदगी, और इसी को पूरा करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं कि जो हराम की मजम्मत पर हैं। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ के नुकसानात देखता है, जब उसकी अजाबात सुनता है, तो उसका दिल अपने आप को रोकता है, उसका नफ्स उसको बचने के लिए मशवरा देता है। जहर सी बात है, जब हम देखते हैं आग जलाती है तो हम उसके करीब नहीं जाते जी। जब हम देखते हैं कि यार रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम उस ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए एकदम बीच में नहीं जाते, बल्कि अपने आप को बचाते हुए पहुँचते हैं। तो इंसान का जो है ना वो एक उसका शऊर में ये चीज़ मौजूद है कि हमने नुकसान से अपने आप को बचाना है। नबी पाक ने क्या फरमाया कि जब कोई शख्स हराम माल कमाता है तो फरमाया कि अगर उसने हराम माल का सदका किया तो वो कबूल नहीं, क्योंकि सदका अल्लाह की बारगाह में किया जाता है, अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज़ों को कबूल फरमाने वाला है। मजीद फरमाया कि अगर उसको खर्च करे तो अल्लाह उसमें बरकत नहीं रखता, वो हराम माल है उसमें बरकत नहीं आ सकती, और अगर वो छोड़कर मर गया तो फरमाया कि उसके लिए फिर दोज़ख है, यानी कि इतना बड़ा इसका वबाल है। और फरमाया कि अल्लाह ताला बुराई को बुराई के ज़रिए नहीं मिटाता है। इसी तरह एक और रिवायत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हराम का लुकमा खाया वो जब तक उसके पेट में रहेगा तब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। एक और रिवायत में कि 40 दिन तक उसकी अमल उसकी नमाज़ें कबूल नहीं की जाएंगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको बहुत लोग हल्का लेते हैं, और माल की मोहब्बत इस कदर दिल में पना गुजीर हो जाती है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि इंसान ये समझे, ये सोचे कि मैं कहाँ से माल हासिल कर रहा हूँ, मेरा ज़रिया मुआश क्या है, कहीं ये अल्लाह की नाफरमानी का बाइस तो नहीं बन रहा, कहीं मैं अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर रहा।
दुनिया कमाने की धुन में लग जाना और ऐसा लग जाना कि इंसान अपने माबूद बरहक को भूल जाए, इंसान कुरान और हदीस को भूल जाए, तो ऐसा कमाना, ऐसा माल हासिल करना ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से महफूज फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको हिदायत की राह पे चलाए मौला, जिससे तू राज़ी रहे उस राह पे हम सबको चलाए। हुज़ूर हम आपकी समत आएंगे रिस्क़े हलाल की फजीलत अज़रुए कुरान और हदीस और हराम की मजम्मत, मैं चाहती हूँ आप हम सबको समझाएँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। पहली बात तो ये है कि हम सब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, राजिक है, रज़ाक है, ज़ुल्कुवतिल मतीन है। अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक है, लतीफ़ है, ख़बीर है, हर चीज़ की हिकमत जानता है, हर चीज़ की हकीकत जानता है, और हकीकत में हर शय वही जानता है, आलिमुल कुल वही है, और हर चीज़ को चाहे उसका ताल्लुक गैब से हो चाहे उसका ताल्लुक शहादत से हो हर चीज़ को जानता है, आलिमुल गैबी व शहादा। बल्कि गैब तो खैर उससे तो कोई चीज़ गैब है ही नहीं, ये गैब और शहादत हमारे एतबार से होता है, हमसे चीज़ें गायब भी होती हैं, चीज़ें मौजूद भी होती हैं, अल्लाह सुभान व तआला के सामने तो हर चीज़ आया है, उससे कोई चीज़ गैब है ही नहीं। तो गैब जब हम कहते हैं तो हम अपने एतबार से गैब कह रहे होते हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी इस्तेमाल हुआ आलिमुल गैबी व शहादा का लफ्ज़, तो ये भी हमारे एतबार से गैब कहा गया, चीज़ों को तकसीम किया गया, वरना अल्लाह सुबहानहु व तआला समी है, बसीर है, आलिम है, और अल्लाह सुबहानहु व तआला से कोई चीज़ गायब नहीं है, जितनी मौजूदात हैं सब के साथ उसकी सिफत बसर का ताल्लुक है, सिर्फ मुबसरात के साथ नहीं बल्कि राजे कौल के मुताबिक तमाम मौजूदात के साथ उसकी सिफत बसर का ताल्लुक है, उसकी सिफत बसर तमाम मौजूदात से मुतालिक है। तो बहरहाल अल्लाह सुबहानहु व तआला जब अलीम है, हर चीज़ को जानने वाला है, और खालिक भी है, हर चीज़ को पैदा फरमाने वाला भी है, तो हिकमतें वही जानता है, हकायक वही जानता है, तो उसने जब हम रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तो वो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी ईजाद होती है, कोई भी चीज़ जब कोई बनाता है तो उसका तरीका इस्तेमाल जो है वही होता है जो बनाने वाला वज़ा करता है, तो वही तरीका अपनाना चाहिए। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला जो खालिक है, कायनात को बनाने वाला है, क्रिएटर है, तो हम सब के लिए उसने जो ला है अमल दिया है कि हमने ये लाइन ऑफ डायरेक्शन लेनी है, तो उस लाइन ऑफ डायरेक्शन पर अमल करना, हलाल को हलाल समझना और उसे इस्तेमाल करना, तैयब को इस्तेमाल करना, हराम को हराम समझना और उससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया साहब, एक ब्रेक शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दीन और ख़वातीन में आप सबका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं हलाल और हराम के अहकाम के ताल्लुक से। जनाब ख़वातीन सेंसिटिव हैं, सिन पे नाजुक हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि कॉन्शियस हो जाएं और ज़िंदगी के तमाम मामलात में हलाल और हराम की फ़िक्र जो है वो दामन गिर रहे। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहन क्या नाम है, क्या सवाल करना चाहती हो? सना बात कर रही हूँ कराची। सना वेलकम करते हैं बहन, क्या सवाल है? मुझे ये चार सवाल पूछना थे। वो जान नमाज है बिछी हुई है और ना स्टूल ना दोनों के बीच में रखा हुआ है, एक पाया उनके एक कोने की तरफ है और दूसरा वाला पाया दूसरे कोने की तरफ है, तो ये दोनों का सुतरा बन जाएगा या स्टूल को बीच में रख के फिर दूसरी वाली जान नमाज के आगे कुछ और रखना पड़ेगा? ठीक है जी। और एक सवाल ये था, मैंने सुना है कि मिसबाक को ना लटा के नहीं रखना चाहिए, जो लटा के रखते है ना फिर आँख में उसकी अकल जाहिर हो जाती है, मिसबाक मिसबाक के हवाले से पूछ रही हैं जी। मिसबाक को मैंने सुना है खड़ा करके रखना चाहिए, उसको लटा के नहीं रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हाँ तो ये जरूरी है खड़ा करके? ठीक। और क्या सवाल है? और एक सवाल ये था कि वो योगा की एक्सरसाइज के बारे में पूछना था, ये हम योगा कर रहे हैं, योगा करना है, ये है वो है, तो हम तो एक्सरसाइज का सोच के करते हैं ना, कैसा है? ठीक है, योगा करना कैसा है? सही है सना, आपके सवाल इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। मुझसे ब्रेक से कबल आप जो कलाम फरमा रहे थे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा। जी तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जब कोई चीज़ कोई ईजाद करता है, कोई इन्वेंशन होती है, तो उसका तरीका इस्तेमाल जब बताता है, वादा करता है,
तो वो चीज़ उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। यही मामला जो है वो दवाओं का भी है। आप देखें दवाएं बनाई जाती हैं तो उसके बाद जब बताई जाती है एहतियात कि इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इससे कम इस्तेमाल नहीं करना, इसके साथ इस दवा के साथ इस चीज़ का परहेज़ करना है, तो इन बातों को अहमियत दी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी चूँकि खालिक है, हर चीज़ को उसने पैदा फरमाया है और वो जानता है सब चीज़ों की हिकमतें भी हकीकतें भी। जब उसने बता दिया कि ये चीज़ हराम है, इससे बचना है, ये हलाल है, इसे अवेल करने की इजाज़त है, तो अल्लाह तबारक व तआला की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जो हम डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं या किसी और की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। जो हिदायत अल्लाह की तरफ से मिली है, रब्बानी हिदायत है, डिवाइन है, वो उसे अहमियत देनी चाहिए, उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसका ख्याल करना चाहिए और फिर उससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज़ को जो हराम करार दिया उसके पीछे बहरहाल हिकमत, बेपनाह हिकमतें, तो वो हिकमतें तभी हासिल होनी है कि जब हमने उससे बचना है, और जिसे अल्लाह ने हलाल करार दिया उसमें भी बेपनाह हिकमतें हैं, तो लिहाजा हमें हलाल और हराम को अहमियत देनी चाहिए, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए और तमाम चीज़ों में ही अहमियत देनी चाहिए। और रह गई बात जो है वो नुकसान की, मदम्मत की, सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला नाराज़ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी से बढ़कर क्या बड़ा नुकसान होगा? बड़ा नुकसान एक तो ये, दूसरा ये कि जब हम दुआएं करते हैं ये दुआएं हमारी कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। ये दुआएं जो है ये हराम रिस्क और हराम माल ये दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाता है। खुदा हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाया गया, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में भी है, जामे तिर्मिज़ी में भी है और कुतुब के अंदर भी है, अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिब ला यकबलु इल्ला तय्यिबा, ए लोगो अल्लाह पाक है, अल्लाह तय्यिब है और तय्यिब चीज़ को ही कबूल फरमाता है। फिर आगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ईमान वालों को उस चीज़ का हुक्म देता है जिसका हुक्म उसने अपने रसूलों को दिया है। फिर आपने सूरह मोमिनून की आयत तिलावत फरमाई जिसमें तय्यिबात का हुक्म दिया है रसूलों को। फिर आपने उसके बाद सूरह हुजरात की आयत तिलावत फरमाई, उसमें भी पाक रिस्क, तय्यिब रिस्क जो है वो खाने का जो हुक्म दिया गया है। ये दो आपने जिक्र की आयतें, ये आयतें तिलावत करने के बाद फिर आपने जिक्र किया एक ऐसे आदमी का कि जो तवील सफ़र करके आया, युतील सफ़र, तवील सफ़र किया, अशअस अखबर, परागंदा सर है, गुबार आलूद है और यमुद्दु यदैहि इलस्समा, आसमानों की तरफ अपने हाथ उठा रहा है आसमान की तरफ और या रब्बी कह रहा है, मेरे रब, ए मेरे रब, यानी दुआ मांग रहा है ये क्या करो। और हाल ये है आगे, अमतमु हराम व मशरबु हराम, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, व मलबसु हराम, उसका लिबास हराम है, व गुज़िया बिल हराम, जो रिज़्क दिया गया है जिस्म में वो हराम का है, फ़न्ना युस्तजाबु लिदालिक, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो, कहाँ से कबूल हो। यानी ये जो नक्शा खींचा है हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने, ये पहले ये बताया ये नक्शा खींच के कि ये जो हालत होती है ये बेकसी वाली हालत है और बेकसी की हालत में अल्लाह की रहमत ज़्यादा मुतवज्जे होती है। तो ये समझाना मकसूद है कि कोई इतनी बेकसी और इस्तेरार वाली हालत में कि जिसमें अल्लाह की रहमत ख़ास मुतवज्जे होती है, उस हालत में भी हो और दुआ मांग रहा हो और हाल ये हो कि खाना पीना लिबास हर चीज़ उसकी हराम की है, तो इस बेकसी वाली हालत के अंदर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। यानी वो अल्लाह सुबहानहू व तआला की रहमत से महरूम है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे नहीं होनी हराम की नहूसत की वजह से। तो इससे बड़ी क्या बात होगी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने समझाई और इतने अच्छे अंदाज में समझाई और मिसाल देकर समझाया। तो लिहाजा हराम से बचना चाहिए, ये हराम माल दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनता है और सिर्फ दुआओं की कबूलियत में रुकावट क्या, उसके अलावा भी इसकी नहूसतें हमारे ज़ाहिर पर भी आती हैं, बातिन पर भी आती हैं। बस जो कॉन्शियस होते हैं उन्हें पता चलता है, जो कॉन्शियस नहीं होते उन्हें इसकी समझ नहीं होती। फिर लोग भाग भी रहे होते हैं बाद औक़ात, कभी इस आमिल के पास, कभी उस आमिल के पास, कभी कहते हैं शायद किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ कराया नहीं कराया, आपने ख़ुद अपने ऊपर कर रखा है। तो जो आपने ख़ुद अपने ऊपर किया है उसका हल तो आप खुद करेंगे, यानी उससे तौबा करेंगे। जब तौबा करेंगे तो अत्ताइबु मिना ज़म्बी कमल्ला दम्बला, जो तौबा करने वाला है गुनाह से ऐसा जैसे गुनाह किया ही नहीं, तौबा कर लें, नीट एंड क्लीन हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को अहमियत दें और उसके उसे फॉलो करना शुरू कर दें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, आपके मामला सारे संवरना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से आपकी सुलह हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, तो बस वो सारे मामला आपके इस दुनिया के भी खैर पर मबनी होंगे बेइज़्निल्लाह और उस दुनिया के मामला भी खैर पर मबनी होंगे बेइज़्निल्लाह। बाकी आखिरी बात ये ज़रूर कह दूँ कि ये जो बातें हम कहते हैं या जो हदीस के अंदर बताया गया ये हमारे अपने अमल के लिए होता है, इसका
इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बजाय खुद इसमें दिलचस्पी लेने के दूसरों को टॉन्ट करने के लिए बना लें कि अब ये इसका ये मतलब कतन नहीं है कि कोई बंदा दुआ मांग रहा हो अल्लाह ताला से तो हम उसे फप्तियाँ कसना शुरू हो जाएँ या ताने देना शुरू कर दें कि भाई इसका तो हराम माल है, इसकी दुआ थोड़ी कबूल होगी। इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, हम अगर समझाने वाले हैं, वो हमारा मातहत है, हम अगर उसकी इसलाह चाहते हैं, खैर खाई चाहते हैं, तो हम उसे इस तरह समझा दें जिससे वो बाद आ जाए। इसलाह ज़रूर करें, लेकिन ये ना हो कि हम दूसरों को हकीर जानना शुरू कर दें या दूसरों पे टॉन्ट करना शुरू करें, इसकी इजाज़त नहीं है। और अपने गरेबान में झांकना भी ज़रूरी होता है। बाज़ का जो इस तरह की बात करने वाले होते हैं, वो खुद किसी न किसी जगह गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं, मनहियात शरिया में मुबतला होते हैं, दूसरों को इस तरह पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो बंदे को अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, सिर्फ दूसरों पे तानो तशनी के लिए इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि ये जो बातें हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर है, यानी अल्लाह चाहे हराम माल वाले की भी दुआ कबूल फरमाना चाहे तो वो कादिर है इस बात पर, इसमें कोई रुकावट नहीं है। यही वजह है कि हमारे अकाबिर ने बाकायदा इसकी तशरीह भी कर रखी है किताबों में कि हकीकत में कोई शर्त नहीं है दुआ की कबूलियत के लिए। ये जितनी शर्तें हैं ये अहमियत के लिए, समझाने के लिए बयान की गई हैं, हकीकत से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला पाबंद नहीं हो जाता किसी का, अल्लाह चाहे तो जिस पे जैसे चाहे फजल फरमा दे, वो कादिर है। और बाबुल फजल जो है, बाबुल फजल वासे, फजल का दरवाजा बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है, क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरा नाम नाइला है। नाइला, क्या नाम है आपका? नाइला। हाँ जी नाइला, क्या सवाल है? जी मुझे मुफ्ती साहब से पूछना है कि एक तो तौबा के नवाफिल कैसे अदा किए जाते हैं और कोई वक्त भी होता है इनका, और दूसरा कुन फाया कुन के नवाफिल भी होते हैं और उनको कैसे अदा करना चाहिए? ठीक है जी, ठीक है नायला, आपके सवाल शामिल किए जाएंगे जी। मैं आपकी समत आऊँगी आलिमा सोबिया शाकिर, और साहब ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगु फरमाई है, काश के हम सब ने और से सुनी हो और हम सब अपने लिए इस्लाह के नुकात जो है वो कशीद कर सकें। इसके हलाल के दीनी और दुनियावी फ़वाद मैं चाहती हूँ। बेशक कसब हलाल के बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाद हैं। दीनी अतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा इंसान को ये हासिल होता है कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है और अल्लाह ताला के फरमा बरदारों में शामिल और शुमार किया जाता है। इसी तरह से जब इंसान कसब हलाल करता है तो हदीस मुबारक के मुताबिक उसका जो हश्र होगा वो अम्बिया सिद्दीकीन और सुलहा के साथ होगा, तो शुहादा के साथ इसका हश्र होगा। जैसे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दयानतदार मुसलमान ताजर जो होगा ये बरोज़ महशर अम्बिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ आएगा, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत को बयान फरमाया। इसी तरह बुजुर्गान दीन के अकवाल जो यकीनन उन्होंने अहादीस से ही कशीद किए हैं तो वो भी मैं अर्ज़ कर देती हूँ। जैसे कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कसब हलाल के लिए घर से निकलना या नफली हज या गज़वे से निकलने से ज़्यादा अफजल है। इसी तरह से हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो कसब हलाल के लिए किसी ज़िल्लत के मकाम पर खड़ा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला इसे मैदान महशर में ऐसे मकाम पर खड़ा करेगा जहाँ पे सिद्दीकीन शुहादा वगैरह होंगे और यहाँ तक कि उसका दर्जा शुहादा तक बुलंद फरमा देगा जी। तो इस तरह से दीनी अतबार से या उखरवी अतबार से हम देखें तो हमें रिस्के हलाल में फ़वाद ही फ़वाद नज़र आते हैं, इसमें कोई नुकसान का पहलू नहीं है। दुनियावी अतबार से देखें तो इंसान का ज़मीर जो होता है वो मुतमईन होता है, और जब इंसान एक इस्तेकामत के साथ कसब मुआश के सिलसिले में हलाल को मलहूज़ खातिर रखता है तो ये मोटिवेशन बनती है। इसको देखा देखी जो होती है इसकी औलाद भी अक्सर इसी के रास्ते पर चलती है और दीगर लोगों को भी ये मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई फ़लाँ शख्स ने भी तो हलाल कमाया सारी ज़िंदगी, और फिर अल्लाह ताला रहमत और फजल फरमाए तो इंसान की अच्छी मौत की सूरत में भी इसके बाद असरात देखे जा सकते हैं। जब वो कसब मुआश होगा और हलाल रिस्क ही उनके बच्चों के पेट में जाएगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि औलाद भी फरमा बरदार होगी और किसी तरह से अपने वालिदैन के लिए बदनामी का सबब नहीं बनेगी और इनके लिए सवाब जारिया ही होगी। इसी तरीके से और बहुत सारे फ़वाद हैं जो कि मुशाहिदा किए जा सकते हैं, बस ज़रूरत वही है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने आप को चेक करें, अपने साथ सीरियस हों और फिर उसके बाद आज से ही बल्कि अभी से ही अमली कोशिश शुरू करें। मौत का भरोसा नहीं, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है,
अगर तौबा की और अमल की तरफ हम आ ना सके तब भी कम से कम गुनाह जो हैं वो तो माफ़ हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, यानी इतनी प्यारी आपने बात की है। नाज़रीन, हमें अपने आप से भी मुखलिस होने की ज़रूरत है और अपने आप से जो इखलास है, जो मुखलिस होना है, उसके लिए ये बहुत प्यारी बात इन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि अपने अमाल की हमें फ़िक्र करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आपका खैर मकदम करती हूँ। हम बात कर रहे हैं हलाल व हराम के ताल्लुक से, आपकी कॉल्स भी शामिल की जा रही हैं, आलिमात ऑन द सेट मौजूद हैं और शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद खान ने आज़ी दामत फ़ुयूदुहुम ऑन बी पर बराह रास्त हमारे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमा हैं। आलम वफ़क मुज़म्मिल में आपकी समत आऊँगी और रिस्क़े हलाल के फ़वाइद पे दुनियावी और दीनी कलाम हुआ है। मैं चाहती हूँ कि रिस्क़े हराम के जो नुकसानात हैं उस पर, यानी दीनी और दुनियावी, आप कलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस हवाले से हमने पहले यही बात अर्ज़ की कि जब अल्लाह ताला किसी काम से बंदे को रोकता है तो जाहिर सी बात है उसके रोकने की वजूहात खुद ब खुद मुंसलिक हो जाती हैं कि अल्लाह ताला का रोकना बेमकसद नहीं, बेअबस नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई मामला ज़रूर निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हराम की अभी हमने दीनी नुकसान तो सुने कि बंदे की दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेने के बराबर है। इसी तरीके से इंसान का जो है वो कोई इबादत कबूल नहीं होती, उसका सदका कबूल नहीं होता, और अगर वो माल छोड़कर जाता है तो ये उसके लिए दोज़ख का सामान बन जाता है। अगर इसके दुनियावी नुकसानात की बात करें तो देखें, एक इंसान जो है वो जब वो हराम माल कमाता है तो उसके अंदर जो है ना वो एक माल की हविस बढ़ जाती है, क्योंकि मेहनत उसके अंदर ज़्यादातर अक्सर होती नहीं है। एक चीज़ जो है वो कम वक्त के अंदर कम मेहनत के साथ ज़्यादा सरमाया हासिल हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि दिल में माल की लालच बढ़ जाती है, हिर्स बढ़ जाता है। और वह हदीस मुबारक, नबी पाक ने फरमाया कि जब इंसान को एक सोने की वादी मिले तो वो चाहता है कि दूसरी मिले, फिर दो मिलती है तो वो चाहता है कि तीन मिले, यहाँ तक कि उसका पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। हदीस मुबारक का मफहूम है ये। तो मालूम हुआ कि ये जो माल की हिर्स है और हुब्बे माल जो है वो इंसान को कहाँ तक लेके जाती है कि बहुत सारे लोग अपने करीबी रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं, अब भाई भाई को नहीं देख रहा होता, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग बन जाते हैं। तो ये हिर्स माल ही जो इंसान को जायज और नाजायज की तमीज भुला देती है। और ये कहां से शुरू होती है, इसकी इब्तिदा दरअसल होती ही यहां से कि इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता गलत ज़राए की तरफ जाने लगता है, क्योंकि एक जो हलाल कमाने वाला होता है ना उसके दिल में अल्लाह पाक सब्र डालता है। जब वो रिस्क हलाल इस्तेमाल करता है तो थोड़ा भी होगा वो उस पर राजी रहेगा, लेकिन जिसको हराम कमाने की आदत हो जाती है, एक तो उसको ज्यादा कमाने की हिर्स भी होती है और फिर जितना मिले उससे पेट भी नहीं भरता, सुकून कल्ब भी नहीं है, वो भी नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा की हवस। यही वजह है कि आप देखिए अक्सर जो लोग हराम माल कमाते हैं, अल्लाह ताला से लोगों से हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों की फरिश्त में ना डाले, लेकिन इस तरह के जो लोग मुशाहदा यही है कि वो या तो पिल्स ले रहे होते हैं सोने की रात में, ब्लड प्रेशर उनके साथ है और ऐसी ऐसी बीमारियां उनको लगी हुई होती है ना कि हमें सोचकर होता है कि ये ऐसा क्या मामला हो गया इनके साथ, और अंदरूनी मामला इनके यही निकलते हैं कि इनके साथ। अब ऐसा नहीं कि हम की कोई हमारे खानदान वाले अगर बीमार हो तो मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आमतौर पर ये होता है कि नहूसत हराम ये है कि इंसान का जाहिर तो बीमार होता ही है, उसका बातिन भी बीमार होता है। बातिनी बीमारी से मुराद क्या है कि उसका नमाज में दिल नहीं लगता, इबादतों में दिल नहीं लगता, तवज्जो है कल भी अल्लाह की तरफ नहीं होती, ये सारे मामलात होते रहते हैं, वो नाहक लोगों का हक दबाता रहता है। अब इस राह में आने वाली जितनी रुकावट है ना वो सबको हटाता चला जाता है, किसी का हक है तो वो उसे भी चश्मपोशी कर लेता है, रिश्वत देनी है तो वो देखता नहीं है वो रिश्वत दे देता है चाहे जितना भी माल हो। इसी तरीके से और भी मामला थे कि इंसान लूट मार करने से बाज नहीं आता, लोग एक दूसरे का विरासत दबा लेते, ये सारे के सारे हराम की सूरतें हैं। तो इसीलिए याद रखें कि जब भी कोई मामला अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया उसके अंदर फायदा हो ही नहीं सकता, बेशक तो इसीलिए जब हमें एक मामले के बारे में पता चल जाए कि ये हराम है, बाज़ लोग तो क्या करते हैं कि दीनी अहकाम इसीलिए नहीं सीखते कि अगर सीखा तो फिर अमल करना पड़ जाएगा, तो बाद लोगों की रविश होती है कि हम नहीं सीख रहे ना इसमें ही बचत है हमारी। अच्छा, ये उजर भी नहीं बन पाएगा बाद में, लेकिन लेकिन वैसे कहते ना, अच्छा इतने टाइम बाद कोई अगर बता देगा ना एक आध मसला तो फिर कहेंगे कि अच्छा हमें तो नहीं पता था, चलो अल्लाह दरगुजर फरमाएगा। तो भाई आपने सीखा क्यों ना, आपके पास मवाके थे, आपके पास सारे जराए मौजूद थे, लेकिन आपने कोताही दिखाई, और इसलिए कि अगर मैंने सीख लिया तो मुझे अमल करना पड़ जाएगा। और वो लोगों में मशहूर है ना कि अगर पता हो और अमल ना करो तो डबल गुना मिलता है, हालांकि असल उसूल ये है कि एक चीज़ आप पर सीखना फर्ज है, आपने नहीं सीखी, कोताही दिखाई और फिर आपने गलत काम किया तो दो वबाल है, एक इल्म ना सीखने का वबाल
اور دوسرا غلط عمل کرنے کا وبال. تو یہ کانسیپٹ لوگوں کے اندر فرار کی راہ نہیں ہے, علم دین سیکھنا ہے. بالکل, علم دین سیکھیں. ہر چیز کی دیکھیں جڑ یہی نکلتی ہے, ہر گناہ کی جڑ یہی نکلتی ہے کہ انسان دین نہیں سیکھتا, علم نہیں سیکھتا, اور پھر ظاہر سی بات ہے عمل سے دور رہتا ہے, اور آخر میں پھر افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں. اللہ اکبر, بڑی اچھی گفتگو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے. صاحب میں آپ کی سمجھتا ہوں گی, آپ کامنٹ فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوالات کی طرف. جی, بہن نے پوچھا ثنا نے کہ دو جائے نمازیں یہ بچھا رہی ہیں اور بیچ میں اسٹول رکھ رہی ہیں, یعنی دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے, تو کیا وہ سترا بن جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھیں کہ سترا جو نا بالکل عین سیدھ میں نہیں رکھنا ہوتا, تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. اچھا. سترے کا حکم ویسے بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہیے, بالکل عین سیدھ میں نہیں ہوتا. اور اگر جو ہے وہ سترا اس طرح رکھا ہوا ہے, سائڈ پہ کس طرف ہو, سائڈ پہ جو ہے وہ دائیں طرف رکھا, اگر تھوڑا سا اس طرح رکھا ہوا ہے بائیں طرف بھی رکھا جا سکتا ہے ویسے تو, لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اس طرح رکھا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک بندہ ہے اور اس کے آگے سترا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, ایک بندے کے لیے تو کافی ہے, لیکن اگر زیادہ لوگ کھڑے ہیں تو اس طرح معمولی سا سترا جو ہے وہ نہیں چلے گا. صحیح. اچھا, مسواک کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس کو لٹا کے نہیں رکھنا چاہیے؟ مسواک کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے اور ہماری بعض کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ مسواک کو جو ہے وہ لٹا کے نہیں رکھنا چاہیے, اور مسواک کو اگر کوئی لٹا کے رکھے تو پاگل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن میں اس طرح کی باتوں پہ جو ہے وہ سخت تحفظات رکھتا ہوں, کئی دفعہ تبصرہ کر چکا ہوں. طلبا کو بھی جب سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو کہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا تعلق باب فقہ سے نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے کہ کسی بات پر یہ حکم لگانا ایسا کرنے سے, کوئی غیبی خبر دینا کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے نص درکار ہے. یا تو کتاب اللہ کے اندر بات آئی ہو, یا سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے ہو, یا تو مرفوع حدیث ہو, یا صریح مرفوع ہو, یا حکمن مرفوع ہو. تو نہ تو کوئی اس کے بارے میں حدیث موجود ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو, نہ اس کے بارے میں کتاب اللہ کی کوئی آیت موجود ہے. رہ گیا جن بعض کتابوں میں لکھا ہے ان میں بھی کیلا کر کے لکھا ہوا ہے, قائل کا پتہ نہیں ہے قائل کون ہے. تو ہر لکھی ہوئی بات کتاب کے اندر اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو بات کہ اسے اس طرح جو ہے وہ اہمیت دی جائے. تو چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو, کتاب بہرحال جو ہے وہ کیلا کا مطلب ہے کہا گیا, اب وہ کہنے والا کون ہے, تو وہ کہنے والا واللہ عالم بالصواب کون ہے. نہ تو مینشن کیا جا رہا ہے, نہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی امام مجتہد ہے, نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی صحابی کا قول ہے, نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی یہ حدیث کے اندر ہے, سیدنا رسول علیہ السلام کا قول ہے. اور اگر بتایا جا رہا ہے تو وہ کتب حدیث کے اندر وہ روایت موجود ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس لیے اس کے اندر بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح کے احکام نہیں بیان کرنے چاہیے. ویسے کوئی بندہ احتیاط کرنا چاہے کہ مسواک لٹا کے نہیں رکھتا, کھڑے کر کے رکھے اس نیت سے کہ چلیں جی یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے, سنت ادا کرنے کا یہ ایک آلہ ہے, ٹول ہے, تو اس لیے وہ اس کو ایک ریسپیکٹ دے رہا ہے, ریگارڈ دے رہا ہے, اس لیے اس کو لٹا کے نہیں رکھ رہا, اچھی بات ہے. دوسرا, ویسے اگر غور کریں تو پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لٹا کے رکھنے کا مطلب یہ مٹی ہوتی تھی, تو لٹا کے رکھنے میں تلویث کا اندیشہ ہے, یعنی آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بعض حضرات نے علماء نے منع بھی فرمایا. تو کوئی اگر اس لیے منع کرتا ہے لٹا کر رکھنے سے کہ اس سے مسواک آلودہ ہو جائے گی, تو اسے آلودگی سے بچانے کے لیے لٹا کے رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ محض لٹا کے رکھنا اور اس سے جو ہے وہ جنون کا تعلق جوڑنا, یہ تو ویسے ہی سمے سے بالا تر ہے, بلکہ یہ یہاں تک ثابت ہے کہ بعض حضرات, وہ عرب تو سادہ لوگ تھے نا, سادگی تھے, مسواک تھے, ان کے ہاں تو کوئی یہ اس طرح کا تصور تو تھا نہیں کہ کوئی باقاعدہ جیبیں تھیں اور ان جیبوں میں وہ چیزیں اس طرح رکھا کرتے تھے. جیب کا لفظ عربی میں ویسے بھی گریبان کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس وقت وہ مسواک وغیرہ رکھا کرتے تھے, وہ سادہ لوگ تھے, سادگی پسند تھے, سادگی سے رکھتے تھے. کئی جو ہے وہ جب آپ کتب اٹھائیں سیرت کی یا حدیث کی, پتہ چلے گا کہ وہ مسواک جو ہے کان پہ لگا لیتے تھے, کبھی امامے کے اندر رکھ لیتے تھے. تو اب مسواک جو ہے کان پہ کوئی بندہ لگائے گا تو وہ کھڑی کر تو نہیں لگا سکتا, ساری پتہ جیسے قلم کان پہ رکھا جاتا ہے لٹا کے رکھا, تو مسواک اگر جو کان پہ وہ لگاتے تھے تو لٹا کے رکھتے تھے نا, تو اس طرح لٹا کے رکھنے کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے بندہ پاگل نہیں ہوتا. نہ تو یہ کوئی میڈیکل سائنس کی بات ہے, بہت بہترین, یعنی یہ تو کوئی طبی یا طب سے تعلق ہے نا, یا تو طب سے اس کو آپ بتائیں, اور اگر طب سے نہیں بتا رہے آپ تو پھر یہ غیبی بات ہے, غیبی بات ہے. پھر اس کے لیے آپ نس دکھائیں کہ نس ہو, یا تو کتاب اللہ میں ہو, یا حدیث رسول ہو, یا پھر مرفوع حکمی ہو, صریح مرفوع ہو یا حکمی مرفوع ہو. اس طرح محض اپنی اٹکل سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, چاہے کوئی بھی ہو ہم سمیت, وہ اپنی اٹکل سے کہہ دے یہ بات کہ اس طرح کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, تو یہ اٹکل سے کہنے کی تو ہمیں بھی اجازت نہیں ہے, کسی اور کو اجازت ہے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اب ویسے لٹا کے رکھنے سے بچنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, بچیں, اس کو ایک ریگارڈ دینا چاہتے ہیں ریگارڈ دیں, جیسے آج کل ویسے بھی برش وغیرہ رکھتے ہیں, باقاعدہ باکس بنا ہوتا ہے, باکس ہے یا چھوٹا سا گلاس ہے, گلاس ہے,
आप गिलास में या बॉक्स के अंदर इस तरह मिसवाक रखते हैं उसको अहमियत देते हैं या उसको आलूदा होने से बचाने के लिए आप ऐसा रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मुसलमान बहनें योगा कर सकती हैं, योगा करना कैसा है? मुसलमान बहनें हों या मुसलमान भाई हों, पहले तो ये समझ लें कि जो योगा है, योगा के बारे में हम थोड़े तहफ्फुज़ात रखते हैं। वर्जिश पर हमें कोई एतराज नहीं है, वर्जिश करने से ना हमारा दीन मना करता है और ना शरीयत मना करती है, ना हम मना करते हैं। वर्जिश अगर अच्छे अंदाज पर हो, वर्जिश है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन योगा के अंदर हम हर उस चीज़ से मना करते हैं और हमारा दीन भी ना पसंद करता है कि जिसका ताल्लुक किसी ना किसी सतह पर कुफ्र या शिर्क के साथ हो। अच्छा। चूँकि ये एक ख़ास मज़हब है, उस मज़हब के लोगों का ये तरीका है और ख़ास तरीका नहीं। जब इसकी आप डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको पीछे मिलेगा कि बाकायदा उनके जितने भी पुराने लोग हैं उनकी मज़हबी किताबों तक से इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। अच्छा। चूँकि इसकी जड़ें जो हैं ये उनके मज़हब के अंदर पैवास्त हैं और ये चीज़ जो है वो शिर्क या कुफ्र की तरफ ले जा सकती है, तो इसलिए मजमूई तौर पर हम इसे पसंद नहीं करते। लेकिन ये बात आज अगर लोग एक्सरसाइज के लिए अर्ज कर रहा हूँ यहाँ तक ये बात है उसके जो है वो नाजायज़ या हराम होने की या गलत या सही होने की, तो अगर उसके ऐसे आसन, वो तरीके वर्जिश के योगा के अंदर कि जो किसी गैर मुस्लिमों के उस तरीके से मुशाबे ना हो कि जो उनकी इबादत का तरीका हो, और उसके अंदर और कोई नज़रिया उसकी बैक पर गैर इस्लामी नज़रिया मौजूद ना हो, महज वर्जिश हो और महज जो है वो जिस्म को उससे फ़ायदा हो, तो इतने अमल की तो इजाज़त निकल सकती है जबकि और कोई शरी खराबी ना हो। मसलन अगर दूसरों के सामने कर रहे हैं तो लिबास जो है वो सातिर होना चाहिए, गैर महरमों के सामने नहीं होना चाहिए, इख्तिलात नहीं होना चाहिए। इस तरह की शरी एहतियातों के साथ अगर कोई उसका ऐसा आसन, ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं, आसन कहते हैं ना योगा के तरीकों को, तो मैं इसलिए आसन कहते हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, तो वो इस तरह का तरीका इख्तियार करते हैं तो उसकी इजाज़त निकल सकती है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन वैसे ओवरऑल हम बचने का कहते हैं, वर्जिश के और बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी है कि योगा ही किया जाए, योगा के अलावा और भी वर्जिश की जा सकती हैं। ज़रूर आपने ऐसे काम को इख्तियार करना है कि जिस काम के अंदर इस तरह की कंट्राडिक्शन पाई जाती है, कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी से बचें, डिस्प्यूट इशू से वैसे ही बचना चाहिए। कुन फयकून के नवाफिल कैसे पढ़े जा सकते हैं, क्या पढ़े जा सकते हैं? कुन फयकून के नवाफिल की कोई हैसियत नहीं है, ये ऐसी बात लोगों ने बनाई हुई है, उनकी अपनी बनाई हुई जो है वो एक नवाफिल का तरीका है, ऐसा नहीं है। बस जो है वो जो अहादीस से हमें मिलता है वो सलातुल हाजा है, सुनन तिर्मिज़ी की जो रवायत है, सलातुल हाजा मिलती है कि आप जो है वो अच्छे अंदाज पर वज़ू करें, दो रकत नफल पढ़ें, दुआ मांगें, दुरूशी पढ़ें और एक मखसूस दुआ तालीम हुई है जैसे दुआ हाजत कहा जाता है, वो अगर आती है अच्छी बात है, नहीं आती अपनी ज़बान में मांगना चाहें मांग सकते हैं, तो उसको कुन फयकून का नाम दें और कोई नाम दे दें चलेगा। लेकिन खास अलग से जो तरीका कुन फयकून का, वो बहरहाल वो साबित नहीं है, ना बुजुर्गान दीन से साबित है, ना किताब सुन्नत से साबित। बहुत शुक्रिया नायला बहन, आपका एक सवाल रह गया, इंशाल्लाह मैं कल शामिल करूँगी। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आलिमात आलिमा सोबिया शाकिर आपका, आलिमा उफक मुजम्मिल आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन आप लोगों का, मेरे कॉलर्स आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग दीन और ख़वातीन देखते हैं और शरई मसाइल कोई रीज़ इस प्लेटफॉर्म तक लेके आते हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़ी खूबी के साथ आपके सवाल के जवाब देते हैं, जो आप कॉल करते हैं, और हमारी आलिमा जो भी हमारा टॉपिक होता है उस पर कलाम करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे और हम सब की सगी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहरे निसाब देखी आका के फरामी, औजे कमाल पर है वो तबिंदा मजामी, अहकाम इसमें सीखे ख्वातीन दीन के, क्या खूब है ये सिलसिला दीन और ख्वातीन, दीन और